हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्दी मिले। और तो ये आज है 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 2020 के लिए। चलिए करेंट अफेयर देखते हैं बिहार के लिए स्पेशली, ठीक है। और जो भी आप BPSC का तैयारी कर रहे हैं और बिहार दरोगा के लिए, ठीक है, आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलिए बिहार का करंट अफेयर देख लेते हैं और 21 अप्रैल 2020 है। और इसमें आपको क्विज देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्विज आप यहां से कीजिएगा, सब क्वेश्चन आपको दिखेगा अच्छे से। तो चलिए, उससे पहले आपको यहां पर नोट दिया गया है कि मेरे वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए लाइन तथ्य को ध्यान से पढ़ें और क्विज में ऑब्जेक्टिव MCQ दिया गया है, उसे अच्छे से हल करें ताकि सभी प्रश्न आपको याद हो जाए यहीं पर, ठीक है। पहले फैक्ट पढ़ेंगे। कभी भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कभी भी करंट अफेयर मत पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप गलत करके आइएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहे कि आप पहले फैक्ट समझिए, उसके बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर जाइए ताकि आपको दिमाग में सेटअप रहे। तो हाल ही में बिहार के किस महिला को SBI के केंद्रीय कार्यालय मुंबई में उप प्रबंधक निदेशक बनाई गई है? तो सलोनी नारायण है, और सलोनी नारायण भागलपुर की रहने वाली है, और ऐसा बिहार की पहली महिला जिन्होंने ये पद मिला है जिनको, ठीक है। और नेक्स्ट है कि बिहार में तेज़ी से कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए 6,240 कोरोना रैपिड टेस्ट उपलब्ध करवाया गया है, और हर एक स्टेट में कराया जा रहा है लगभग, ठीक है। तो बिहार में याद रखना है कि कितने संख्या है, 6,240। बिहार में गया, राजगीर में और बनारस में के बौद्ध पर्यटक फंसे हैं, अंततः बिहार ने यह फैसला लिया गया है कि उनको वापस देश भेजा जाए। और यह पर्यटक कहाँ के हैं? तो म्यांमार के हैं। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुआ आतंकी हमले, बिहार के CRPF जवान जो किस जिले के हैं? तो वैशाली ज़िले के हैं, और जिनका नाम है राजीव कुमार है, ठीक है। और बिहार के भागलपुर के अंकित कुमार ने COVID-19 का आविष्कार किया है, जिसके तहत बिहार में अपने देश एवं विदेश के सभी कोरोना वायरस के अपडेट देख सकते हैं। तो कौन है? तो अंकित कुमार ने, और हरेक राज्य हरेक स्टाइल से अपने ऐप आविष्कार कर रहा है, तो ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। और बिहार में जल विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार जल की सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में देखा गया है? तो आपका ये गया जिले में देखा गया है। और यहाँ पर आज के प्रश्नों का क्विज को सॉल्व कीजिए। तो चलिए क्विज स्टार्ट करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार में कितना कोरोना रैपिड टेस्ट किट उपलब्ध करवाया गया है? यहाँ पर टाइम चलता रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आपको ये मारिएगा तो सही मारिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, और गलत मारिएगा तो बिहार के किस देश के बौद्ध पर्यटकों को अपने देश पहुँचाया जाएगा? तो अभी पढ़ा है फिलहाल में आपको ऊपर, तो म्यांमार होगा, ठीक है। म्यांमार करके यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा। हाल ही में बिहार के किस महिला को SBI के केंद्रीय कार्यालय मुंबई में उप प्रबंधन निदेशक बनाया गया है? तो यह सलोनी नारायण जी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले के CRPF जवान जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में शहीद हुए? तो ये वैशाली जिला के थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बिहार के कौन से छात्र COVID-19 ऐप का विकसित किया है? तो ये अंकित कुमार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख करते हैं। और बिहार के किस जिला में भूमिगत जिला का स्तर की वृद्धि रिकॉर्ड सबसे अधिक मिला है? तो आपका गया जिला है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पर आपका स्कोर दिखा देगा क्विज रिजल्ट। टोटल क्वेश्चन आप 6 किए, अटेम्प्ट 6 किए, करेक्ट आपका 6 हुआ, रॉन्ग 1 भी नहीं हुआ, परसेंटेज आपका 100% हुआ। तो आप यहाँ पर आकर एक बार जरूर, उसको लिंक दूंगा, आप वहाँ पर आके क्विज को सॉल्व कीजिए ताकि क्वेश्चन आपको ध्यान पे एक दो बार कर लीजिएगा तो यहीं खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और ये आप फैक्ट 2-3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद क्विज स्टार्ट कीजिए। 2 बार कम से कम पढ़िए। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मिलते अगले वीडियो में। तब तक ले धन्यवाद।